बस सोच रहा हूँ आज काम से जल्दी फ्री होकर बड़ा दिल खुश होता है जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो आइए आज का ब्लॉग शेयर करते हैं। आज मौसम बहुत मज़े का है, तो आज मुझे बहुत खुशी किस चीज़ की है, आप लोगों को भी होती होगी जब आप जॉब से जल्दी फ्री होते हो, दिल को ना अंदर की फीलिंग्स आपकी ना धक 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 करती हैं। सो खैर, आज मैं पहली बार दिन को अपने घर के पास देख रहा हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे भाई भी आ गए हैं। यू नो, जब आपकी फैमिली आपसे दूर होती तो दिल उदास होता है, ठीक है। अब भाई आ गए, इंशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। और उनसे सुबह बात हो रही थी, वो लंदन गए हुए हैं, ठीक है, और को अकोमोडेशन को देख अकोमोडेशन देख रहे हैं। यू नो, लंदन की प्राइसेस बाकी सिटीज़ की नस्बत बहुत ज़्यादा 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 महंगी है, क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, शहर बहुत बड़ा है, कैपिटल है। तो बस आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप दुआ करें कि उनको अकोमोडेशन मिल जाए, तो बाकी मामला बाकी ठीक हो जाएंगे। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने आधे उनके अप्लाई कर दिए, सिर्फ बैंक कार्ड हो गया, ठीक है, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको पता ही होते हैं, तो वो गए हुए उधर। बस साथ साथ आपको बताते रहेंगे, मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे साथ इस जर्नी में रहें, ठीक है, और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं किया। रेड बटन को ज़ोर का उस पर थोड़ा मारो, ठीक है, ताकि सब्सक्राइब हो जाए, ठीक है। पाँच महीने अभी तक मेरे सब्सक्राइबर पता कितने हैं, 216। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, सो कीप सपोर्टिंग मी। और घर चलते हैं, खाना खाते हैं और आपसे आज शेयर करते हैं सारा, ओके। नेक्स्ट स्टॉप इंपीरियल रोड। तो जी, यूके में गाड़ियाँ इस तरह पार्क होती हैं रोड के साइड पे, ठीक है, ना किसी को तंग करते हैं ना खुद तंग होती हैं, बड़े डिसिप्लिन के साथ गाड़ियाँ पार्क करते हैं, ये देखें, ठीक है। मजाल है कि किसी का टायर भी इधर आ जाए, थोड़ी सी बड़ी गाड़ी है, थोड़ी साइड पे आई हुई है। सो खैर, ये देखें बस इसका सिस्टम, इधर कितनी करीब की से तंग रोडें होती हैं लेकिन तंग नहीं करते किसी को, ट्रैफिक इशू यहाँ पे नहीं आता। लेकिन आज बस बहुत स्लो चल रही है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। आज काम से आपके भाई को छुट्टी हो गई है, ठीक है, और ये NHS की एम्बुलेंस आ रही है, NHS इनका यहाँ पे हॉस्पिटल का सिस्टम है, ठीक है। सो ये सामने शॉप है, एजेंट्स हैं टिकट्स के लिए। सो ये वो देखें सामने, तो ये है जी यूके, ठीक है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं एसडा, इस तरह हमारे यहाँ मेट्रो, हर वीडियो में बताता हूँ आप लोगों को मैं। सो नाउ आई एम गोइंग बैक टू होम, ठीक है। तो मैं आज बस में बैठा हुआ था, मैंने कहा चले एक छोटा सा क्लिप बनाएं और आपको कुछ मनाजिर दिखाएं बर्मिंगम सिटी, जो कि यूके का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, बड़ा सिटी है, ठीक है। जॉब्स बहुत ज़्यादा, पॉपुलेशन बहुत है इधर की। और बस ये देखें रोड क्रॉस किए तरीके से, हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, हार्टलैंड हॉस्पिटल, ठीक है, मैं करीब से दिखाता हूँ। ये हॉस्पिटल है सारा, ठीक है, वो लिखा हुआ है बोर्ड पे हार्टलैंड, ठीक है। सलाम वालेकुम, कोई भी नहीं घर पे, लाइट्स ऑन की, आय हाय हाय, ज़िंदगी में जब रोशनी आती है तो बड़ा अच्छा लगता है जी। अस्सलाम वालेकुम। सो दरवाज़ा करते हैं बंद, ये तो मेरा हाल है, एक चाबी अंदर लगी हुई है, मेरी चाबी रह गई है बाहर, ये देखिए। चलो आ गई चाबी। यू नो, चाबी से मुझे याद आया, चाबी यहाँ पता कितने की मिलती है, कम से कम 15 पाउंड की, ठीक है। अपने पाकिस्तान में कितने की मेरी बाइक की चाबी घूमती थी, बनती थी कम से कम 50 रुपये की, 60 रुपये की बन जाती थी, क्योंकि गाड़ी का मुझे पता नहीं था। और मोटरसाइकिल की मुझे भी याद है, मेरी मोटरसाइकिल होती थी LEQ66 समथिंग कुछ नंबर था, होंडा 70 थी। सो मैं जब भी इंशाल्लाह पाकिस्तान जाऊँगा तो मैं उसको ड्राइव करूँगा अपनी, ओ गाऊँगा इधर क्या है। और चाबी की बात हो रही थी तो चाबियों का ख्याल रखा करें, क्योंकि बहुत महंगी बनती है, ठीक है, लॉक। तो मैं घर आ गया हूँ, चॉकलेट खाते खाते ना मैं बड़ी स्लो स्लो खा रहा था चॉकलेट। सो कहते ना, माँ जी कहती है कोई शुभ शुभ काम करना हो तो शुभ काम करने से पहले कुछ मीठा होते, तो काम क्या है, खाना बनाना पीना। सो खैर वो देखें,
ये नीचे मेरे रिमोट आ गया कोई, ये देखें ये मेरे नीचे रिमोट आ गया, वो उधर बटन प्रेस हो ही जा रहे हैं एलसीडी के अंदर। ए कैसे बना लेते हैं लोग ये वीडियो, हम तो नए व्लॉगर हैं, कोई सब्सक्राइब कर दिया करें, मेहरबानी करें। क्या मुझे लग रहा है मेरे बाल बड़े हो गए हैं या वाकई हो गए हैं? अच्छा इधर मेरे को जो जानने वाले हैं मुझे पता है क्या कहते हैं, कहते हैं यूके में जो हेयर स्टाइल है ना वो इधर से मशीन है बिल्कुल, यहाँ से बिल्कुल इस तरह उठा के। तो यूके में बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है बड़े बाल रखने का, ठीक है? मैं जब लोगों को देखता हूँ यहाँ से हुए होते हैं। सो इंशाल्लाह कल पक्का पक्का, कल मुझे छुट्टी है इंशाल्लाह, मैंने कल कटिंग करवानी है फुल ब्रिटिश कटिंग, नए स्टाइल साथ आप सबने हाजिर होंगे इंशाल्लाह अगर टाइम मिल गया मुझे, क्योंकि टाइम यहाँ पे नहीं होता। खैर लॉन्ड्री से कपड़े निकाल लेते हैं, ऑन करके मैं चला गया था, सो अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। गाड़ी इस टाइम 500 की स्पीड पे जा रही है कम से कम। ड्रायर मैंने कहा मैं भूल गया था लगाना, अब लेगा कम से कम 8 मिनट लेगा, ठीक है? तो एक सेकेंड, ड्राइव लग चुके हैं, 8 मिनट लग रहे हैं, गाड़ी इस टाइम बिल्कुल 500 की स्पीड पे है, ये होता है। तो उतार दे कपड़े, कपड़े निकाल लिए, कपड़े रखते हैं, 1 2 3 4 डन। तो खैर पतीला चला दिया, ठीक है, खोलते हैं ऊपर से लाइट, किधर गई, ए ए ए, ठीक है लाइट खुल गई है, ठीक है। हमारे यहाँ सब्जियाँ ऐसी होती हैं वेजिटेबल, ठीक है, फ्रोजन, ठीक है, गोभी हैं, ठीक है, साथ प्याज हैं, ठीक है, चॉप हो रहे हैं, और अब घी डालते हैं बनाते हैं, मिक्स वेजिटेबल खाएंगे, ठीक है। और वो इधर तो प्याज चिट्टे होते हैं, हमारे यहाँ तो वो पर्पल होते थे डार्क, तो क्या जो भी है खाएंगे अल्लाह का शुक्र अदा करके। चिकन कितना फ्रोजन था, तो गर्म पानी डाल, देख रहे हैं बुलबुले निकल रहे हैं, हवा के गोले निकल रहे हैं धुएँ के, चिकन बहुत फ्रोजन था तो थोड़ा मेल्ट हो जाए, ज़रा कच्चा हो जाए जी। बड़े ज़ोरों शोरों से खाना बन रहा है, प्याज भून रहे हैं, तो उसे और डालते हैं मिसाले, ला 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 ला, सुटते हैं इसमें मिर्चें सुट दी, सूखा धनिया, पेपरिका पाउडर इसमें डालते हैं, लाल मसाला अब को करते हैं, उसको फेंटा लगाते हैं, और मसाला अच्छी तरह भुन जाए तो हम इसके बाद इसमें डालेंगे वेजिटेबल और चिकन इकट्ठा। ये क्यूब्स डाली हैं मैंने जिंजर और गार्लिक की, ठीक है, मसाला बन गया, और ये डाल दी हैं ठंडी सब्जियाँ, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको अच्छी तरह भुनेंगे बनाएंगे ताकि ये नरम हो जाएं और अपना जायका छोड़ दें। कूड़ा बाहर फेंक दे, कूड़ा बाहर फेंक देते हैं, हाउस होल्ड रबिश, इसको एक बार गिरा लगा दें वरना ये खुल जाएगा, उसमें डालता है, बॉक्स करते हैं बंद। मैंने स्टोर भी बिल्कुल ठीक कर दिया, ठीक, तो जी अल्हम्दुलिल्लाह खाना बन गया, मिक्स वेजी और मज़े की गरम रोटी है, अल्लाह का शुक्र है। खैर बंदा खाना खा के ना बहुत सुस्त हो जाता है, क्या आप लोगों को सुस्ती चढ़ती खाना खाने के बाद? सो खैर अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया, नमाज़ पढ़ते हैं, और आज की वीडियो का एंड हम यहीं पे करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से मेरी सब्सक्राइब का बटन हिट कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिए, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, बाय।